सो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मिररलेस कैमरा और DSLR के बारे में। इस वीडियो में हम लोग ये भी जानने वाले हैं कि मिररलेस कैमरा और DSLR के बीच में क्या डिफरेंसेस होता है, तो यही सब आज हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? मैं हूं प्रथम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो चलिए वीडियो को करते स्टार्ट। तो पहले बात करते हैं, आर मिररलेस कैमरा एज गुड एज DSLR? तो इसका जवाब है हाँ, मिररलेस कैमरा जो है वो DSLR से काफी अच्छा है, क्योंकि मिररलेस कैमरा जो है उसमें आप न्यू फीचर्स आपको देखने को मिलती है, एंड जो मिररलेस कैमरा है वो अपग्रेडेड कैमरा है। उसकी वेट की बात करें तो इसका वेट बहुत ही कम है, इसको आप कहीं भी कैरी कर सकते हो। इसमें आपको बहुत सारे ऐसे ऐसे फीचर्स मिलेगा जो कि आपको नॉर्मल DSLR जो है उसमें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। इसमें आपको जो इमेज है वो फ्रेम पर सेकंड को देखने को मिलेंगी, जो कि बाकी DSLR में कोई कोई में देखने को मिलती है और किसी किसी में देखने को नहीं मिलती है। तो ये काफी अच्छी बात है। तो दूसरे नंबर में है, व्हाट डस मिररलेस DSLR मीन? इसका जवाब है, मिररलेस जो कैमरा है वो एक डिजिटल कैमरा है जिसमें आप मल्टीपल लेंसेज हो गया उसके बाद बहुत सारा ऐसा इक्विपमेंट जो होता है वो आप उसमें ले सकते हो। और उसकी बात करते तो इसमें आपको बहुत सारे ऐसे फीचर्स मिलती है जो कि एक नॉर्मल कैमरा सब में नहीं मिलती है। मिररलेस कैमरा जो है वो शायद लेना चाहिए किसी को। तो तीसरा नंबर में, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन DSLR एंड मिररलेस? तो इसका जवाब है, जो DSLR होता है वो अभी के टाइम में DSLR ओल्ड हो चुका है, एंड जो मिररलेस है वो अभी मतलब काफी अपग्रेड हो गया है। जो DSLR है, DSLR का जो अपग्रेड वर्जन है उसी को मिररलेस बोला जाता है, और मिररलेस अभी यूज करना चाहिए। बहुत कुछ हो चुके हैं मिररलेस में और बहुत कोई नहीं हुए हैं, तो मिररलेस आपको जरूर यूज करना चाहिए, क्योंकि मिररलेस में आपको काफी कुछ मतलब न्यू चीजें आपको देखने को मिलती है, और इसके साथ मिररलेस में काफी आपको अपग्रेडेड देखने को मिलती है। जो बॉडी है वो काफी कॉम्पैक्ट है, एंड जो आप इमेज क्लिक करते हो वो काफी फास्टर है एंड बहुत ही स्मूथ आता है। तो ये डिफरेंस है मिररलेस कैमरा में और DSLR कैमरा में। इसमें आपको थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, जैसे कि आपको एक टेलीफोटो लेंस चाहिए या फिर एक प्राइम लेंस चाहिए, तो हो सकता है कभी कभी ना भी मिले और कभी कभी मिल जाए, तो थोड़ी बहुत दिक्कत कभी आ सकती है। बट जो कंपनी है वो ट्राई कर रही है, मतलब जितना ज्यादा इक्विपमेंट हो सके बनाने की ट्राई कर रही है। तो चौथा नंबर में हमारा है, डू मिररलेस कैमरास टेक बेटर पिक्चर्स? तो इसका जवाब है, ऑब्वियसली बात है हाँ, मिररलेस कैमरा जो है वो DSLR की तुलना में काफी अपग्रेड है और काफी अच्छा है। तो जाहिर सी बात है, जो मिररलेस कैमरा है वो काफी अच्छा आपको रिजल्ट देगी, एंड जो वीडियोस होगा वो भी काफी आपको अच्छा रिकॉर्ड करके देगी। और फिफ्थ नंबर पे है, डू प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स यूज मिररलेस कैमरा? हाँ, बहुत कोई ऐसा फोटोग्राफर है जो कि अभी तक स्विच नहीं हुए हैं, और बहुत कोई ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी स्विच हो चुके हैं। तो अगर आप एक DSLR कैमरा यूज कर रहे हो तो आपको भी जो मिररलेस कैमरा है उसमें स्विच होना चाहिए, क्योंकि जो DSLR कैमरा है वो बहुत ही ओल्ड हो चुका है, एंड मिररलेस कैमरा है वो काफी अपग्रेडेड है, एंड जो DSLR में आपको जो फीचर्स देखने को नहीं मिलती, जिस टाइप का फोटोज वीडियोस आप कैप्चर नहीं कर पाते हो, मिररलेस कैमरा से आप उस टाइप के इमेजेस जो है वो क्लिक कर पाओगे। हो सके तो आप मिररलेस कैमरा में स्विच करो। मैं ये रिकमेंड करना चाहूंगा कि आपको मिररलेस कैमरा जो है उसमें स्विच हो जाना चाहिए। तो सिक्स नंबर पे क्वेश्चन ये है कि इस DSLR स्टिल वर्थ बाइंग? तो इसका जवाब ये है कि अगर आप DSLR को एज ए मतलब हॉबी टाइप का आप इसको ले रहे हो, जाहिर सी बात है ये आपके लिए डिसएडवांटेज होगी, बट इसको अगर आप एज अ बिजनेस टाइप का आप इसको यूज कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, और इससे अच्छा खासा आप अर्निंग कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस यही सब था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, और हाँ, अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करें भाई, जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे। तो मैं मिलूंगा आपसे किसी और नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। गुड बाय, टेक केयर।